नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग देख रहे हैं एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का यूट्यूब कोर्स, जिसमें कि हम यहां पर आज मैथ्स पर डिस्कस करने वाले ट्रिग्नोमेट्री और यह इसका पार्ट 3 वीडियो है। तो जहां पर मैंने पिछले पार्ट को रोका था वहीं से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल का प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। जिसमें 1 मार्च से शेड्यूल में जो चेंज हुआ है उसमें अब 3 लेक्चर्स आपको मंडे टू फ्राइडे प्रोवाइड हो रहे हैं, 12 बजे, ठीक है, 2:30 बजे और शाम के 5 बजे, ठीक है, 5 PM। तो ये 3 लेक्चर्स का टाइमिंग है, इस टाइम पे आप आके चेक कर सकते हैं। यहां पर इस YouTube चैनल में आपको 3 लेक्चर्स अपलोडेड मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें कि हम जहां पे छोड़े थे पिछले क्लास को वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है 5 sin theta + 7 cos theta = 7 है और 7 sin theta - 5 cos theta का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक यहां बता देता हूं, ठीक है, उसके पीछे का कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। यहां पर क्या दिया है, 5 दिया हुआ है साइन थीटा के सामने, यहां दिया हुआ है 7 cos theta के सामने, और अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वाले इक्वेशन में तो जो साइन थीटा के सामने था 5, वो कॉस थीटा के सामने चला गया यहां पर, और जो कॉस थीटा के सामने था 7 वो साइन थीटा के सामने चला गया यहां पर। जब भी कभी इस तरीके की प्रक्रिया हो और पहले वाला स्टेटमेंट प्लस में है, दूसरा वाला स्टेटमेंट आपको माइनस में पूछा जाए, या पहला वाला माइनस में है, दूसरा वाला आपको प्लस में पूछा जाए, तो डायरेक्टली इसका आंसर ये होता है। मैं आपको बता देता हूं, ये जो 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर कर लेना, प्लस ये जो 7 का स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस में यहां पर 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाता है। तो 5 स्क्वायर कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस 7। डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में अगर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं अभी बता देता हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि आप देखिए, इसको मैं मान लेता हूं x, इसको मैं मान लेता हूं x, ठीक है। अब करना क्या होगा, हम इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं और इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें 2 रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे दोनों को, तो पहले वाला स्क्वायर करोगे तो यहां पर 5 स्क्वायर sin² आएगा, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं एलजेब्रा में, जो हमने सीखा है a² + b², ठीक है, +2ab होता है a + b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 7² cos theta, cos² theta प्लस 2 × 5 × 7 यानी कितना, 35 sin θ cos θ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, करेक्ट। दूसरे वाली इक्वेशन का यदि स्क्वायर करने जाओगे तो x² है, तो यहां x² आ जाएगा और इसके सामने जो है 7 का स्क्वायर sin² θ आएगा प्लस 5 का स्क्वायर cos² θ आएगा, ठीक है, माइनस में 2 × 35 फिर से आएगा, लेकिन इस बार माइनस में और sin θ cos θ, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर में -2ab आता है। यदि मैं दोनों को जोड़ूं तो एक लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए क्या मिल रहा है रिजल्ट, सिंपल सा रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो cos² θ वाला टर्म या 7² वाला टर्म है, इस 7² वाले टर्म को आप क्लियरली देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 7² और sin² + cos² θ बचेगा, जो कि होता है 1, क्योंकि sin² + cos² θ 1 होता है, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। और दूसरा वाला जो 2 वैल्यूज बच रहे हैं, ये वाला वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज को एक बार देखिए, इसमें अगर मैं 5² 5² कॉमन निकाल लूं तो अंदर जो बचेगा वो sin² θ + cos² θ बचेगा एक और बार, यानी कि उसका वैल्यू भी तो 1 ही होता है। तो कुल मिला के यहां पर जो वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 7² + 5 का स्क्वायर और ये तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा प्लस में, इसका वैल्यू आ रहा है 5² + x². तो क्या आप देख पा रहे हैं x² का वैल्यू क्या है, जो वैल्यू यहां मैंने कहा 5² + ये वाला 7² और ये 5² दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस का 5² हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट में इसका आंसर दे देगा, क्योंकि x² का वैल्यू इतना था, क्लियर। तो यहां से इसका वैल्यू कितना आ गया, तो ये बन जाएगा भाई 5² 5² कट गया, तो प्लस और माइनस 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। डी जो है सवाल का सही उत्तर है, ठीक। तो आप चाहे तो एक रिजल्ट बना के रख सकते हैं, अभी मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं किस तरीके से आप रिजल्ट बना के रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको आप नोट डाउन करके रखिए कि यदि आपको दिया हुआ है यदि दिया हुआ है a sin θ + b cos θ = c दिया हुआ है, तो फिर आप लिखेंगे देन a के सामने cos θ आना चाहिए माइनस b के सामने
अब साइन थीटा आना चाहिए, इसका वैल्यू यदि पूछ ले तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको रिजल्ट मिल गया कि ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा की जगह अगर प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और अगर यहां माइनस है तो इसकी जगह पे प्लस आएगा, साइन चेंज हो जाना चाहिए, और साइन थीटा कॉस थीटा के जो सामने कोएफिशिएंट है ये इंटरचेंज हो जाना चाहिए। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप नोट करके रखेंगे, ठीक, इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप नोट करके रखेंगे, यदि यदि इफ इसमें और एक चीज आप नोट करेंगे, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब देखिए ट्रिपलेट क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में सीख रखा है, जो पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे तीन वैल्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, ऐसे तीन नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उसी को ट्रिपलेट कहते हैं। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुए मींस इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यही तो हुआ। कहने का मतलब क्या कि ये वाला वैल्यू जीरो बन जाएगा, क्या आप मेरी बातों से सहमत है, ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू जीरो बन जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर जीरो है। ठीक है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर हो गया जीरो, करेक्ट, या फिर आप इसको अगर इक्वेट कर दें तो इज इक्वल टू आ जाएगा ये, मतलब कि कुल मिला के आपका जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू जो है, ठीक है, ये कॉस थीटा नीचे जाएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर हो जाता है ए बाय बी बराबर। ठीक, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, तीन रिजल्ट आप यहां पर लिख के रखेंगे कि टैन थीटा जो है, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस केस में, साइन थीटा के सामने जो ए है डिवाइडेड बाय बी, टैन थीटा हो जाएगा ए बाय बी। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए बाय सी। यदि आपसे पूछे कि कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी बाय सी। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, और इसके ऊपर प्रश्न आ गया तो आप तुरंत विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस देखना है कि यहाँ ए बी सी कहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं सेट करके रखा, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ऐसे वैल्यूज जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उसी को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक, चलिए इसी के तहत पहले अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपको दिया है 12 साइन थीटा प्लस 35 कॉस थीटा बराबर 37। तो सिंपल से आप अगर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहां साइन थीटा जो था उसके सामने 12 था, कॉस थीटा के सामने 12 आ गया, कॉस थीटा के सामने 35 था, अब साइन थीटा के सामने 35 आ गया और बीच में माइनस लग गया, तो 12 35 37 क्या है, ट्रिपलेट ही तो है। इसका मतलब जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर करें तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, मतलब इस सवाल का सही उत्तर क्या है, जीरो है। ठीक, तो विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन देखते साथ दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये जीरो है, अगर आप जानते हैं कि ये एक ट्रिपलेट वैल्यू सेट करके रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया हुआ है 3 sec थीटा माइनस ऑफ 4 tan थीटा बराबर x है, 3 tan थीटा माइनस ऑफ 4 sec थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहां से आपको थोड़ा सा चेंज होता है हमारे थ्योरम में, यहां अगर आप देखेंगे तो आप समझिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि यहां 3 है sec थीटा है, तो यहां sec थीटा के सामने 4 आ गया, क्योंकि यहां पर जो 3 था वो sec थीटा के सामने था, यहां tan थीटा के सामने 3 है, और यहां 4 जो आपके सामने था, मतलब tan थीटा के सामने 4 था, तो यहां sec थीटा के सामने 4 है, वैल्यूज इंटरचेंज हुए, लेकिन sec थीटा और tan थीटा के ऊपर सवाल हो तो माइनस माइनस सेम रहेगा दोनों तरफ, सेम चीज cosec थीटा और cot थीटा के ऊपर भी ये सवाल बन गया तो भी माइनस माइनस जो है वो सेम रहेगा, दोनों तरफ माइनस तो माइनस या दोनों तरफ प्लस तो प्लस, लेकिन इस वाले सवाल में आपका जो है sin थीटा cos थीटा के ऊपर प्लस से माइनस में हो जाता है, तो सेम प्रोसेस को यहां भी फॉलो करना है हमें। ठीक, तो देखिए अगर मैं इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, इस वैल्यू को एक्स मान लेते हैं और इसको स्क्वायर किया जाए, इसको भी स्क्वायर किया जाए तो देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है 12 इंटू sec थीटा cos sec थीटा tan थीटा बराबर कितना, तो 5 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक, यहां से दूसरे वाले वैल्यू को देखें तो 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस 4 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आएगा sec स्क्वायर थीटा आएगा, सॉरी यहां पर sec
स्क्वायर थीटा आएगा क्योंकि 4 है यहां पर है, ठीक है। और माइनस ये वाला वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, 12 इंटू सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं, बराबर। अब आप सोचिए कि क्या किया जाए। देखिए जब मैं sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की बात करूं तो यहां पर आपके आइडेंटिटी क्या कहता है, आपका आइडेंटिटी कहता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर माइनस करने पर 1 आता है और पिछले वाले में क्या था, तो प्लस करने पर 1 आता था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। इसलिए यहां पर हम क्या कर रहे थे, इसको एड अप कर रहे थे। लेकिन जब यहां इस तरीके के प्रश्न में आ गए तो हमें अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 3 स्क्वायर अगर निकाला जाए, देखोगे अंदर तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो 1 हो जाएगा। यहां से 4 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि माइनस 1 होता है, तो ये माइनस का 4 बनेगा, बराबर। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा क्योंकि ये प्लस बनेगा तो कैंसिल आउट होगा। यहां पर जो वैल्यू आएगा बनेगा 5 स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ, चलिए ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 5 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 स्क्वायर होगा और माइनस का 3 स्क्वायर होगा, बराबर। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का वैल्यू आप लोग सब जानते हैं, 4 स्क्वायर होता है तो 16 प्लस 16 दो बार आ गया। ये x का वैल्यू है तो x का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32 जो कि हो जाएगा प्लस और माइनस 4√2, ठीक है, प्लस और माइनस 4√2। तो कहां पे प्लस करना है कहां पे माइनस करना है, इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से नोट करके रखेंगे। इसका मैं रिजल्ट भी आप लोग को लिखा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या है उसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। जब भी आपको सवाल इस तरीके से दिया जाए, इफ, ठीक है, इफ ए sec थीटा माइनस बी tan थीटा इज इक्वल टू सी, और आपसे पूछा जाए बी sec थीटा माइनस ए tan थीटा इज इक्वल टू क्या, तो अगर यहां पर x है तो आपका रिजल्ट ये कहता है देन, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। सेम चीज आपका यहां पर कोसेक और कॉट के साथ भी सेम बन सकता है। इफ इस तरीके से भी दिया जा सकता है आपको, ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इज इक्वल टू यदि सी दिया हुआ है, या फिर आप यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए कॉट थीटा माइनस ऑफ बी कोसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर एक्स है तो आपका रिजल्ट फिर से यही कहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम रिजल्ट यहां से भी आपको मिलेगा, दोनों में यही रिजल्ट है, ठीक है, चाहे आप इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें। sec cosec पे भी ये क्वेश्चन, यानी cosec cot में भी क्वेश्चन बन सकता है, sec tan में तो ऑलरेडी हमने देख लिया है इस सवाल को, तो इस रिजल्ट को अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे। ऐसा भी दिया जा सकता है या ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है, दोनों सही है अपने आप में, कि यहां पर a tan थीटा माइनस ऑफ b sec थीटा दे दे, बात एक ही है क्योंकि यहां हम अल्टीमेटली प्लस और माइनस का वैल्यू ही निकालते हैं, तो इसलिए प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, ये जो सवाल है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं उसको भी मैं इस वीडियो में पहले कवर करवा लेता हूं, क्योंकि अगर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसमें फंसने नहीं चाहिए। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस ई स्क्वायर थीटा, आपको जो वैल्यू निकालना है वो क्या है, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपको निकालना है, ठीक है, और आपको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है, ठीक। चलिए अब इसमें से 4 ऑप्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं यहां थीटा का वैल्यू नहीं है, मतलब जितने भी यहां पर थीटा है उन सबको आपको इसके टर्म्स में लाना, तो इसके टर्म्स में लाना आसान तो है लेकिन थोड़ा सा आपको यहां चौकन्ना रहना है। देखिए ये जो tan थीटा है, इस एक tan थीटा को मैं ओपन कर लेता हूं sin बाय cos में, ठीक है, तो यहां जो tan क्यूब थीटा था उसको मैं tan स्क्वायर थीटा इंटू एक tan थीटा को अलग लिख लेते हैं और आगे cosec थीटा है, ठीक है। इस tan थीटा को अलग मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं एक sec थीटा को कॉमन निकालना चाहता हूं, और वो sec थीटा कैसे आएगा, क्योंकि ये है sin थीटा बाय cos थीटा, बराबर। तो एक tan थीटा को मैंने खोल के लिख लिया जो कि है sin थीटा बाय cos थीटा, और sin थीटा cosec थीटा जो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा 1 हो जाएगा, ठीक। मतलब जो वैल्यू बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा बच रहा है, और 1 बाय cos थीटा होता है sec थीटा,
तो मेरा मोटिव ये था कि मैं एक sec थीटा कहीं से भी लाऊं ताकि ये वाला sec थीटा और ये वाला sec थीटा कॉमन आ जाए। तो एक tan थीटा और cosec थीटा को मल्टीप्लाई करने पर sec थीटा बनता है, तो इससे यहां पर tan square थीटा बचेगा, बाकी चीजें जो बची वो sec थीटा बचा। तो पहले वाले टर्म से sec थीटा को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां 1 बचेगा और यहां पर tan square थीटा बचेगा। इससे फायदा यह हुआ कि हमारे पास tan square थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली दिया हुआ है 1 minus e square, ठीक है, tan square थीटा का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है 1 minus e square। अब sec थीटा को कैसे लिखें? देखिए, हम सब ने यह फॉर्मूला तो देखा ही हुआ है पिछले वीडियो में कि sec square थीटा minus tan square थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने देखा था। अगर मैं tan square थीटा को दूसरे तरफ भेज दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा sec square थीटा इज इक्वल टू 1 plus tan square थीटा, बराबर। तो sec थीटा का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका? 1 plus tan square थीटा। क्या आपको अब सॉल्व करने में कोई कठिनाई होगी? क्योंकि हमने sec थीटा का वैल्यू भी निकाला तो 1 plus tan square थीटा आया स्क्वायर रूट में, और यहां भी 1 plus tan square थीटा ही है। तो अगर मैं यहां पर tan square थीटा का वैल्यू डाल दूं तो ये बन जाएगा 1 plus 1 यानी 2 minus e square और इसका स्क्वायर रूट, बराबर, 2 माइनस ई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब इसके पावर में कितना, तो हाफ, बराबर। तो sec थीटा के पावर यहां 1 माइनस ई स्क्वायर, इसके पावर में क्या है, हाफ है। और अगर आप इसको देखें तो ये भी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 करोगे तो इसमें 1 जुड़ेगा तो 2 आएगा, एक्चुअली 2 है, ये एक्चुअली 2 हो जाएगा यहां पर 2 माइनस ई स्क्वायर और यहां पर पावर में 1 है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम यानी कि इन दोनों को जोड़े तो यहां सर्ड सिंडाइसिस का फॉर्मूला ही तो लग रहा है, a के घात m इंटू ए के घात एन बराबर क्या होता है, जब बेस कॉमन होती है और पावर यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पावर जुड़ जाती है, यानी यहां पर आ जाएगा एम प्लस एन, एम प्लस एन, क्लियर। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2 माइनस ई स्क्वायर और इसके घात में यहां पर हाफ प्लस एक होगा क्योंकि यहां आधा है, यहां एक आधा प्लस एक, आप लोग सब जानते हैं इसका वैल्यू 3/2 होता है। तो बताइए भाई कौन सा उत्तर सही है, 2 माइनस ई स्क्वायर के घात में 3/2, तो यहां पर डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ठीक है। कई बार आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सब में आ चुका है, और ये इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना एग्जाम में तो हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई क्या करें और फंस जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके के जितने भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं इस तरीके के, उसको मैं आपको करा देता हूं। जैसे कि ये सवाल है, ये एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में आप फंस सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिक है इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो tan थीटा sec थीटा 1 यहां पर भी है, tan थीटा sec थीटा और 1 यहां पर भी है। बस ध्यान ये देना है कि दो टर्म यहां पे प्लस है, एक टर्म माइनस में, यहां पर भी दो टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में, लेकिन माइनस यहां अलग जगह पे, यहां पर माइनस अलग जगह पे। तो इस तरीके के प्रश्न में करें तो क्या करें, देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं कि इस तरीके के प्रश्न का ट्रिक क्या है। आपको टोटल यहां जो वैल्यू दिया है इसमें एक sec थीटा भी मल्टीप्लाइड है और 1 बाय के है, जिसमें आपको के का मान निकालना है। एक तरीका है कि वैल्यू पुटिंग कर लिया जाए, कुछ ऐसा वैल्यू ले जो यहां पर अलग अलग हमको आंसर दे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, थीटा को 60 डिग्री लेने पर अलग अलग वैल्यू आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं क्योंकि सारे वैल्यूज अलग हो जाएंगे, और सारे वैल्यूज अलग हो गए तो यहां पर एकमात्र वैल्यू आएगा के का जो आपको सेटिस्फाई करेगा यहां पर इस तरीके से। तो एक तरीका ये है, ठीक, बहुत आसान तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग जो बेसिक तरीका होगा, बेसिक तरीका क्या है कि ये जो 1 दिख रहा है ऊपर वाला, इस 1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले 1 को यहां पर लिख लूंगा मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, जिसमें कि a आपका sec थीटा है, b आपका tan थीटा है। अब क्योंकि यहां पर tan थीटा माइनस sec थीटा है, तो मैं इसमें से और इसमें से sec थीटा माइनस tan थीटा को कॉमन निकाल लेता हूं, sec थीटा माइनस tan थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। इससे होगा ये कि यहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहां वाले वैल्यू में, जिसमें कि एक वैल्यू होगा sec थीटा प्लस tan थीटा, एक होगा sec थीटा माइनस tan थीटा, तो यहां पर आपका sec थीटा प्लस tan थीटा बचेगा, बराबर, sec थीटा प्लस tan थीटा बचेगा यहां पर सेकंड वाले जगह पे, और यहां से tan थीटा माइनस sec थीटा कॉमन हुआ जो कि इसका उल्टा है, रिवर्स है, तो -1 यहां पर कॉमन बचेगा।
डिनोमिनेटर की यदि मैं बात करूं तो क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन है यहां डिनोमिनेटर। क्या आप यहां पर देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो टर्म प्लस और एक टर्म माइनस अभी भी है, लेकिन जो प्लस और जो माइनस वैल्यूज थे वो सेम आ गया। यहां पर माइनस वन था, यहां भी माइनस वन था, तो ये पूरा कट जाएगा। और इसमें एक सेक थीटा मल्टीप्लाइड है, इसमें क्या मल्टीप्लाइड है, एक सेक थीटा इस तरीके से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है वन बाय के और आपसे पूछ रहा है के का वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए तो क्या मैं इस वैल्यू को हटा सकता हूं, ये आपका हट जाएगा क्योंकि ये तो वन हो गया, मतलब इसमें बस यहां पर एक सेक थीटा और मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि इसका वैल्यू केवल सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और इसका वैल्यू वन बाय के इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, अब बताइए कि के का वैल्यू इसमें से क्या होगा। देखिए के डिनोमिनेटर में है और ये वैल्यूज न्यूमरेटर में है, तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में लाना है तो क्या चीज हम यहां पर कर सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा तुरंत डिनोमिनेटर में आ जाए। पिछले वाली क्लास में फिर से हमने ये रिजल्ट देखा था कि sec थीटा प्लस tan थीटा जो है ये और 1 बाय यहां पर sec थीटा माइनस tan थीटा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ये भी हमने आइडेंटिटी से रिजल्ट निकाला था। तो अगर यहां sec थीटा माइनस tan थीटा ऊपर है, इसको मैं हटाकर इसको नीचे लिख सकता हूं, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसके जगह पे लिखा जा सकता है कि यहां पर ये sec थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि ये sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। क्लियर, अब इसको यदि आप देखें क्लियरली देखेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू तो है भाई 1 बाय कॉस थीटा और इसको अगर देखा जाए 1 बाय कॉस थीटा है, ये साइन बाय कॉस है, मतलब 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा कट गया, ये वैल्यू है 1 बाय के का, मतलब कुल मिला के जो वैल्यू आया वो क्या आया, 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा जो है ये के का वैल्यू हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन जो है ये सही उत्तर हो जाएगा यहां पर। क्लियर है, तो देखिए ये प्रश्न भी आपके सीजीएल के प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है और सीएचएसएल में भी इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, जो भी पिछले पांच साल में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, सारे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक, तो जब आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे, सवाल दिखे, तो क्या करना, इसमें जब भी प्लस माइनस इधर उधर है, वैल्यू सेम है, टेन सेक में भी बन सकता है, कोसेक कॉट में भी सेम बन सकता है, उस केस में कोसेक कॉट वाले केस में ऊपर वाले वन को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करके करना, सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए ये कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न क्वेश्चंस है जिसको एग्जाम में आने से हम घबरा जाते हैं। चलिए एक और सवाल, ये वाला जो सवाल है इसको आप डायरेक्ट एक रिजल्ट के तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट ये है कि यहां पर टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, इसका आप डायरेक्ट थ्योरम बना के रखिए। ठीक है, और क्योंकि इसका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है सॉल्यूशन, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, वन प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या आप लोग को याद है tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, पिछले वीडियो में देखा था, याद है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करना tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या है। ठीक है, कितने लोगों को याद है ये, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, याद है पिछले वीडियो में हमने इसको कवर किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसी चीज को जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करके रखा हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर होता है sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो इसी चीज को आप फिर से एक बार लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा कि tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, ये रिजल्ट है। और इसी को tan थीटा प्लस cot थीटा को हम sec थीटा इंटू cosec थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब मैं आपको वापस ले चलता हूं उस सवाल में, इस सवाल को मैं आपको विद इन 30 सेकेंड्स भी कैसे सॉल्व करना मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक अप्रोच सीख लेते हैं, उसके बाद मैं विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक है, तुरंत कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए समझिए,
सबसे पहली बात टैन थीटा है यहां पर, इसका बेसिक अप्रोच ये है कि या तो सारे के सारे कॉट थीटा को आप चेंज कर दीजिए किसमें, टैन थीटा में, या तो सारे के सारे टैन थीटा को आप चेंज कर दीजिए कॉट थीटा, दोनों मत करना, या तो सारे कॉट थीटा को टैन थीटा में कन्वर्ट कर लो या तो सारे टैन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो आपका जो है काम आसान हो जाएगा। ठीक, जैसे कि सपोज अगर मैं इसे कॉट थीटा को वन बाय टैन थीटा कर लूं, तो ये टैन थीटा यहां माइनस होगा और ये टैन थीटा क्योंकि डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस का वन। इस कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, वन बाय टैन थीटा इंटू वन माइनस टैन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब जब एलसीएम लोगे तो यहां टेन थीटा माइनस वन है, यहां वन माइनस टेन थीटा, ये तो गलत बात हो गई, तो इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको भी टेन थीटा माइनस वन करेंगे, और क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया यानी कि हम यहां पर माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये प्लस साइन जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल एलसीएम की यदि मैं बात करूं तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन आएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन आएगा एलसीएम, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर टैन थीटा नहीं है तो ये टैन थीटा एक्स्ट्रा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टैन क्यूब थीटा आएगा, ठीक है, माइनस में वन आ जाएगा। अब ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर। तो इसी चीज का आप यूज करिए, क्योंकि ये टैन क्यूब थीटा और माइनस वन है, तो इसको वन लिखो चाहे वन क्यूब लिखो, मतलब बात एक ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, तो टैन क्यूब थीटा माइनस वन जो है ये आपको दे देगा टैन थीटा, ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, टैन थीटा माइनस वन, और यहां से आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा प्लस वन, बराबर। तो अब यहां से आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा टैन थीटा प्लस वन, टैन थीटा प्लस वन कैंसल, ठीक, तो ये अगर कैंसल हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है, अब यहां से जो वैल्यूज है उसको बताइए कि क्या उसका आंसर आएगा फाइनली, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहां टैन थीटा है, यहां टैन स्क्वायर थीटा है, टैन थीटा यहां वन है, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल के इस टैन थीटा को अंदर ले जाऊं तो पहला वाला जो टैन स्क्वायर थीटा है ये बन जाएगा टैन थीटा, दूसरा वाला टैन थीटा इस टैन थीटा से कटेगा तो वन आएगा, तीसरा वाला वन बाय टैन थीटा आएगा, और वन बाय टैन थीटा का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं अभी तक, क्योंकि तीसरा वीडियो है, ये सारी चीजें कई बार हमने डिस्कस कर लिया, ये होता है कॉट थीटा। मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, तो है वन प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर, क्लियर, ये इसका प्रूफ हो गया। बट एग्जाम में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया 60% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके वैल्यू पुटिंग से तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, इस सवाल को भी आप वैल्यू पुटिंग से तुरंत सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे, देखिए जब भी मैं आपको यहां पर वैल्यू पुटिंग की बात कर रहा हूं तो इस टेबल की आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ये वाला टेबल जो हमने पहले पढ़ के रखा है प्रीवियस क्लास में, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस टेबल को आपको याद रखना है, ठीक, जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर क्वेश्चन बने, साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर जब क्वेश्चन बनता है तो आप कोशिश करना पहले अटेम्प्ट में 0 डिग्री 90 डिग्री पर सॉल्व करने का, 0 डिग्री 90 डिग्री पर अगर ना बने सवाल तब आप जाएंगे यहां पर 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री पे, ठीक है, तब आप जाएंगे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री पे। लेकिन अगर टैन थीटा कॉट थीटा पे सवाल बना, टैन थीटा कॉट थीटा पे सवाल बना तो आप यहां पर 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं लगा सकते, क्योंकि टैन 0 डिग्री पर ठीक है लेकिन टैन 90 डिग्री पर इनफाइनाइट हो जाता है, कॉट 90 डिग्री तो ठीक है लेकिन कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट हो जाता है, तो यहां 0 डिग्री और 90 डिग्री से काम नहीं चलेगा। तो पहला आपका यहां पर हो सकता है कि आप 45 डिग्री पे ट्राई करें, फिर आप ट्राई कर सकते हैं 30 डिग्री या 60 डिग्री पे। एक और बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है 135 डिग्री, तो आप यहां पर tan 135 डिग्री का वैल्यू भी याद रखेंगे जो कि cot 135 डिग्री के बराबर होता है, और दोनों के दोनों जो है वो कितना होता है, तो माइनस वन होता है, ठीक है। इस कन्वर्जन को आप जानते हैं कैसे सीखना है, लिखना है, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 45 लिखोगे और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आएगा, यानी माइनस tan 45 डिग्री जो कि माइनस वन हो जाएगा। tan 45 डिग्री पता है हम लोग को वन है, तो tan 135 डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये माइनस वन होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जब 45 डिग्री पर ना बने tan थीटा वाला क्वेश्चन, तो आप 135 डिग्री पे उसको बनाना जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आपके इस तरीके के प्रश्न को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अब
इसको सॉल्व करने जाओगे तो मैंने कहा टेन थीटा पे आप 45 डिग्री पे चेक करिए। 45 डिग्री पे चेक करने में दिक्कत क्या होगा, यहां 1-1 होगा डिनोमिनेटर में और ऊपर 1 होगा, तो 1/0 आ गया, इनफाइनाइट बन गया। तो ऐसे वैल्यूज मत लीजिए जो इनफाइनाइट बन जा रहे हैं। और ऊपर से यहां पर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर 45 डिग्री डाल रहे हैं तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है। तो हमेशा ऐसे वैल्यूज डाल लें जो आपको अलग अलग आंसर्स दे, सेम आंसर नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर एकमात्र सॉल्यूशन ये बचता है कि आप थीटा को डाल दीजिए 135 डिग्री डालने पर ये -1 बन जाएगा और 1-1 हो जाएगा +1 तो 2 हो जाएगा। ये -1 बन जाएगा, 1-1 हो जाएगा +1 यानी 2 बन जाएगा, 1+k आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1/2 मतलब -1=1+k। तो k का वैल्यू जो आ रहा है अल्टीमेटली -2 आ रहा है। अब जो ऑप्शन में -2 बने वही तो k होगा। अब देखिए ये इसका वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -√2, तो ये तो नहीं है आंसर। इसका वैल्यू -1 + -1 -2 आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए। इसका वैल्यू है 1-1, यानी इसका वैल्यू भी -1 + √2 है, -√2, ये भी आंसर गलत। यहां पर -√2 नहीं, यहां पर √2 और -√2 है, तो ये 0 बन गया, ये आंसर भी गलत। तो एकमात्र ऑप्शन जो है बी, वैल्यू पुटिंग से सीधा का सीधा आपका उत्तर दे रहा है। बताइए 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के फटाफट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, वैल्यू पुटिंग सब्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। 60% क्वेश्चन, 60-70% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो घबराइए मत, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक से नहीं होती, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको फंसा सकते हैं। अब देखिए ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को आप याद रखेंगे, ठीक है। इस थ्योरम को मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, इसको भी एक थ्योरम के तहत हम लोग लिखेंगे और इसके ऊपर चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसको आप तुरंत एक वैल्यू डायरेक्टली कोई भी वैल्यू के साथ आप उसको चेक कर लेना, तो यहां पर आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक। चलिए तो ये वाले इसी पेज पे मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या कहता है। तो आप यहां से लिखेंगे 1 + sec θ + tan θ, ठीक है, 1 + sec θ + tan θ इंटू 1 - cosec θ + cot θ। इसका वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए थीटा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, किसी भी वैल्यू पे इतना ही आएगा। या 1 - या 1 + cosec θ दिया हुआ है, +cot θ दिया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ आपको दिया 1 - sec θ + tan θ, इसका वैल्यू भी 2 होता है, ठीक है। तो इसको आप एक थ्योरम के तहत याद रख सकते हैं। कैसे आया, चलिए अगर कैसे आया इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, तुरंत आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए यहां भी 3 टर्म है, यहां भी 3 टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे तो 3 टर्म यहां पे, 3 टर्म इस वाले में भी, 3 × 3 यानी 9 टर्म आएंगे पूरा मल्टीप्लाई करने पर। फटाफट देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या रहा है, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी एक को लीजिए, इसको इसमें से कोई भी एक, चलिए मैं इसको अगर प्रूफ करके बताऊं आपको, ठीक है, ये वाले को मैं आपको सेकेंड वाले को प्रूफ करके बताऊंगा, फर्स्ट वाले को आप खुद से कर लेना, सेम रिजल्ट आएगा। इसको मैं प्रूफ करके बताता हूं, तो 1 इन तीनों में से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, -sec θ + tan θ, ठीक, ये cosec थीटा है, ये cosec थीटा इन तीनों में से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का cosec थीटा, -sec θ cosec θ, +tan θ इंटू कोसेक थीटा आएगा, और ये वाला जो कॉट थीटा है ये तीनों में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कॉट थीटा एक बार आएगा, -sec θ cosec θ आएगा, और देखिए लास्ट में कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा आएगा, जो कि क्या होता है, 1 होता है। कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा 1 होता है, ठीक। अब देखिए समझिए यहां पर क्या हो रहा है, कुछ रिजल्ट जो मैंने आपको पहले बताया है उसको यूज करेंगे। जैसे कि देखिए ये टेन थीटा यहां दिख रहा है आपको और ये cot थीटा यहां पे दिख रहा है। tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, tan थीटा प्लस cot थीटा होता है sec थीटा * cosec थीटा, ये हमने सीखा हुआ है। और आप देखेंगे कि यहां sec थीटा - cosec थीटा है, मतलब ये sec थीटा - cosec थीटा और tan थीटा प्लस cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा प्लस cot थीटा कुछ और नहीं होता है, sec थीटा cosec थीटा होता है, और ऑलरेडी यहां पर -sec थीटा cosec थीटा। तो ऐसे छोटे-छोटे रिजल्ट्स को याद रखने से फायदा बहुत होता है, फटाफट आपके कैलकुलेशन हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए बचा क्या, ये 1 है, ये वाला 1 है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, एक -sec थीटा है आपके पास
और एक माइनस कोसेक थीटा है आपके पास, ठीक है। चलिए ये तो प्लस कोसेक थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस टैन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? देखिए टैन थीटा का मतलब होता है साइन बाय कॉस, और यहां पर कोसेक थीटा है, मतलब कुल मिला के कोसेक थीटा साइन थीटा तो वन बन गया, व्युत्क्रम होते हैं, वन बाय कॉस थीटा हो रहा है, और वन बाय कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? तो सेक थीटा होता है, मतलब यहां पर वैल्यू सेक थीटा बनेगा। इसी प्रकार ये जो है माइनस सेक थीटा को, अगर मैं वन सेक थीटा को ऐसे ही रख लेते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब यहां पर जो वैल्यू है ये वन बन जाएगा, और वन बाय साइन थीटा का मतलब फिर से क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है, मतलब माइनस का कोसेक थीटा। अब आप खुद देखिए, माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कट गया, सेक थीटा माइनस सेक थीटा कट गया, तो ओवरऑल क्या बचा? टू बचा। तो इस प्रकार चाहे वन प्लस सेक थीटा टेन थीटा इंटू वन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा दिया, इसका वैल्यू भी टू होता है। यहां वन प्लस कोसेक थीटा कॉट थीटा दिया हो और वन माइनस सेक थीटा टेन थीटा दिया हो प्लस में, तो इसका वैल्यू भी क्या होता है? तो टू होता है। तो इसी रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करिए। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं थीटा को 20 डिग्री पुट करके इसने इसका एक थ्योरम जो है उसकी जगह पर थीटा का वैल्यू डाल दिया 20 डिग्री, और 20 डिग्री के साथ साथ उसने क्या किया, यहां कॉट 70 डाला है, तो कॉट 70 का मतलब क्या होता है? टैन बीसी तो होता है। अरे भाई टैन थीटा जो होता है ये क्या होता है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ही तो होता है। मतलब अल्टीमेटली इसने क्या दिया है? 1 प्लस सेक 20 डिग्री, और कॉट 70 को आप लोग जानते हैं, इसको लिखा जा सकता है टैन 20 डिग्री। उसी प्रकार आगे देख पा रहे हैं आप 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री, और इस टैन 70 को क्या लिखा जा सकता है? तो कॉट 20 डिग्री। आ गया ये हमारे थ्योरम में आ गया कि नहीं आ गया? एक प्लस में है दूसरा माइनस में है कोसेक वाला, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? टू होता है। इसको एक थ्योरम के तौर पे हमने याद किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड पैटर्न क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसा करके कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक आपको जाना है। देखिए इस पैटर्न के सवाल को थोड़ा सा समझेंगे। जो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस पीछे से आप देखेंगे कॉस स्क्वायर जो 89 डिग्री है, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ऐसा क्यों? देखिए भाई हम ये जानते हैं कॉस थीटा जो होता है ये साइन 90 माइनस थीटा होता है, और साइन थीटा जो होता है ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो अगर यहां पे कॉस स्क्वायर 89 डिग्री दिखा हुआ है, इसी को हम चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर 1 डिग्री में, बराबर। तो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 1 डिग्री 1 हो गया। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर 2 डिग्री जो होगा, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, और पीछे से जो अब इधर से कैलकुलेट करना चालू करेंगे तो एक कॉस स्क्वायर 88 डिग्री आएगा, बराबर, ये भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर 88 को ही हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 डिग्री, और हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा इक्वल टू 1 होता है। इस आइडेंटिटी को भी हमने पिछले वीडियो में कवर करके रखा हुआ है। इसी आइडेंटिटी के तहत जितने भी टर्म्स बनेंगे, 1 डिग्री का एक टर्म बनेगा, 2 डिग्री का एक टर्म बनेगा, 3 डिग्री का एक टर्म बनेगा, पेयर बनता जाएगा, ऐसे ऐसे 44 डिग्री तक बनेगा, जो कि कॉस स्क्वायर 46 डिग्री और कॉस स्क्वायर 44 डिग्री से मिलाकर बना होगा। इन सब का जो सम है वो बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा 44 टाइम्स आ जाएगा। प्लस बीच में एक वैल्यू बच जाएगा, वो है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और लास्ट में एक कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बच रहा है जिसका कोई पैर नहीं है। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे, ठीक। अब कॉस 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है, लेकिन ये तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा आधा, हाफ, और कॉस 0 तो कॉस 90 तो 0 होता है, मतलब ये कितना हो गया? 44.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है, अब देखिए यहां पर आप 5-5 डिग्री के टर्म्स में आप चल रहे हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, फिर 10 डिग्री, फिर 15 डिग्री, मतलब इसके पहले आया होगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री, और उसके पहले आया होगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत है? और साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री जो है ये 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री मिलाकर एक 1 बन जाता है, तो ये सेकेंड पेयर बन गया। ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे 40 डिग्री तक, क्योंकि 40 डिग्री साइन स्क्वायर 50 डिग्री के साथ एक टर्म बनाएगा, बीच में बच जाएगा साइन स्क्वायर
45 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका आपको फायदा उठाना है, क्योंकि देखिए फिर से वही चीज होगा, मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ऐसा एक टर्म बनेगा। सेकेंड टर्म बनेगा यहां से साइन स्क्वायर प्लस में आएगा ना, साइन स्क्वायर वैल्यू यहां पे सारे प्लस में है, तो यहां से साइन स्क्वायर प्लस में आएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस पीछे से साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ऐसा पेयर बनता जाएगा। और ये पेयर कहां तक चलेगा, तो आएगा यहां पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, बीच में एक टर्म बच गया जो कि है साइन स्क्वायर 45 डिग्री और लास्ट वाला साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये दोनों एक्स्ट्रा बच गए, बाकी सारे जो है वो पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि साइन 85 जो है 85 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 5 डिग्री लिख सकते हैं, और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, और ये जो 80 डिग्री है इसको 90 माइनस में करोगे तो 10 डिग्री बनेगा, मतलब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ये 40 डिग्री है तो 90 माइनस 40 करोगे तो यहां 50, 90 माइनस 50 करोगे तो ये 40 बन जाएगा फिर से, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ऐसा 1 1 1 1 और ये 5 के मल्टीपल में है, तो ये 5 का 8वां मल्टीपल है, मतलब एक 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 ऐसे 8 बार पेयर बनेंगे, तो 8 तो यहां बन गया 1 को जोड़ने से। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर करोगे तो आधा आ जाएगा 1/2, साइन 90 1 होता है तो ये 1 आ गया, मतलब 9.5 9.5 सवाल का सही उत्तर है, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू पुटिंग से कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू पुटिंग के लिए मैंने आपको शुरुआती तौर पे कुछ रिजल्ट्स बताए, साइन कॉस के ऊपर क्वेश्चन आया तो 0 डिग्री 90 डिग्री में ट्राई करें, ना बने तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री पर ट्राई करेंगे। टैन थीटा कॉट थीटा के ऊपर सवाल बने तो 45 डिग्री पे चेक करना, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे या 135 डिग्री पे चेक करना, सवाल जो है बन जाते हैं। नहीं बन पा रहा है तो भी कुछ वैल्यूज है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको वैल्यू पुटिंग का कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला सवाल है यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। तो आपको यहां पर सी का वैल्यू पूछ रहा है, ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है और साथ में बोल रहा है सी का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ये सी है आपके पास यहां पर, ठीक। तो पहले तो मैं यहां पर थीटा, क्योंकि मेरे सारे वैल्यूज यहां जो चल रहे हैं वो सारे के सारे वैल्यूज जो है साइन एक्स और कॉस एक्स ही दिख रहे हैं, हम एक्स को डाल देते हैं 90 डिग्री, एक्स को डाल देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इससे क्या होगा, ये साइन एक्स जो है साइन 90 बनेगा, तो साइन 90 का वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है कि 1 होता है, तो यहां पर 2 आ जाएगा, ये भी 1+1 हो गया, 1+1+0 हो गया, मतलब ए का वैल्यू क्या आ रहा है तो 1 आ रहा है। दूसरी वाली बात करें तो बी का वैल्यू क्या आ रहा है, बी का वैल्यू आ रहा है भाई यहां से सी डिवाइडेड बाय 1+sin x और 1+sin x का मतलब 1+1 आएगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है, मतलब बी बराबर क्या है तो c/2 है। सवाल में दिया है कि a बराबर b है, तो अगर a बराबर b है तो 1 = c/2 होगा, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू c/2 है, तो c का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब ऑप्शन वो सही होगा जो c = 2 दे जब x = हमने 90 डिग्री डाला, x = 90 डिग्री डालने पर ये जो वैल्यू है तो 0 बन जाएगा, तो यहां पर 1 आ रहा है, ये गलत होगा। अगर 1+1+-0 करें तो ये आंसर 2 दे रहा है, ये आंसर सही हो सकता है। यहां आप देखें तो ये cos x तो 0 होता है, मतलब ये 1 देगा, ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए 1+0-1 मतलब पूरा का पूरा 0 बन रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन जो है वो यहां पर सही है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। केवल साइन एक्स और कॉस एक्स पे था, तो मैंने यहां पर क्या किया, x को 90 डिग्री पे चेक किया तो तुरंत आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां पर दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ठीक। और यहां पर इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपके सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो बताइए भाई क्या वैल्यू लेने से आपका तुरंत आंसर आएगा। जैसे कि सपोज करिए मैं यहां पर 90 डिग्री लूं, या फिर चलिए 0 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं हम यहां पर, x इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेते हैं। x को 0 डिग्री लेने पर ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 और ये बन जाएगा प्लस 1, यहां पर भी 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1-1, तो 1-1 ये भी 0/0 हुआ। तो 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0/0 बन रहा है और इनफाइनाइट वैल्यू जो है ये सही नहीं है।
तो हम कुछ और वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स को ले लूं 90 डिग्रीज, 90 डिग्री में क्या हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री में लेने पर ये 1 + 0 - 1 होगा, डिनोमिनेटर अगेन 0 बन रहा है, इसको भी लेना ठीक नहीं है, तो यहां पर हम फंस रहे हैं। अब सपोज करिए कि हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री में काम नहीं हुआ, तो आप आएंगे एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री ले। देखिए 45 डिग्री में दिक्कत क्या है कि यहां पर कुछ ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो सेम आए। चलिए ट्राई करके देखते हैं, साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है तो 1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा और न्यूमरेटर 1 बन जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, ठीक है, माइनस का 1, तो ये क्या हुआ 1/√2 + 1/√2 जो कि हो जाएगा 2/√2, तो ये हो जाएगा √2 - 1। तो या तो √2 - 1 किसी ऑप्शन में बनना चाहिए पहला वैल्यू, या फिर आप इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे 1/√2 - 1 × √2 + 1, ऊपर नीचे √2 + 1 होगा, तो इसका तो वैल्यू a² - b² बनेगा, यानी 1 होगा, मतलब √2 + 1, मतलब वो ऑप्शन सही होगा जिसमें वैल्यू या तो आए 1 + यानी √2 + 1 वैल्यू आए, या फिर 1/√2 - 1 आए। जो ऑप्शन 45 डिग्री पर ये बने वही आपका उत्तर है, ठीक। तो चेक करिए किसमें बन रहा है। देखिए अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/√2 - 1 / √2, यही आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 1/√2 इससे कटेगा, तो एक्चुअली यहां पर जो वैल्यू है, चलिए ये 1/√2 है ना, 1/√2 जो है ऊपर आ जाएगा तो √2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। तो अंदर वैल्यू गया तो √2 - 1 आ रहा है ओवरऑल, तो हमारा आंसर √2 - 1 तो नहीं है, हमारा आंसर 1/√2 - 1 है, यानी गलत होगा। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें यहां पर 1/√2 है इसका वैल्यू, सेकेंड वाले ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो ये 1/√2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/√2 एक और बार है, तो √2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो √2 + 1 आ रहा है, यही आंसर सही होगा। क्योंकि बाकी वैल्यूज में आप इसको सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 - √2 / 1 + √2 आएगा, जो कि गलत है। इसमें तो दोनों सेम होता है, साइन एक्स कॉस एक्स सेम हो जाता है 45 डिग्री पे, तो ये तो 1 बन रहा है, ये भी आंसर गलत। तो सारे ऑप्शन गलत है, केवल ऑप्शन बी सही है जो कि आपका √2 + 1 बन रहा है, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री 90 डिग्री से बात नहीं बनी साइन एक्स वाले क्वेश्चन में, साइन और कॉस वाले क्वेश्चन में, तो आप आगे बढ़ेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री पर चेक करना होगा, ठीक। अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए मैंने आपको बताया कॉट और टैन के ऊपर सवाल आए तो 45 डिग्री पे चेक करना, थीटा को अगर 45 डिग्री डाल देते हैं अपन, क्योंकि देखिए थीटा के ऊपर आंसर डिपेंड ही नहीं करता, ये एक थ्योरम है। तो यहां पर थीटा को अगर मैं 45 डिग्री डाल दूं तो ये बन जाएगा कॉट 45 जो कि होता है 1, ये बन जाएगा कॉट 45 जो कि होता है 1 माइनस, ये बन जाएगा कॉट 135, और कॉट 135 डिग्री का वैल्यू हमने देखा है -1 होता है, माइनस ऑफ -1 करोगे +1 आएगा। सेम यहां पर भी 1 + 1 - -1 तो +1, तो 1/2 + 1/2 = 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बी जो है सवाल का सही उत्तर, यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, क्योंकि यहां अगर आप वैल्यू को देखें तो कॉस और साइन के ऊपर यहां पर फंक्शंस दिए हुए हैं, तो अगर मैं इसको थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लूं तो देखिए बात बन जाएगा क्या, थीटा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देखिए 0 < θ < 90 डिग्री, तो एग्जामिनर एक स्टेप आगे है कि आप यहां 0 डिग्री मत लीजिए, और 45, 30, 60 लेने पर वैल्यूज जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो क्या किया जाए। देखिए मेरे दिमाग में वैल्यू आ रहा है कि हम एक ट्रिपलेट वैल्यू ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप एक ट्रायंगल ले लीजिए एबीसी, इसमें आप ट्रिपलेट वैल्यू इस तरीके से सेट करिए कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या 3 - 5 sin θ है यहां पर, तो अगर मैं यहां पर 3/5 लूंगा साइन थीटा को, तो ये 3 - 5 × 3/5 होगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो आपको साइन थीटा को 3/5 नहीं लेना है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि 3/5 लोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं 3/5 cos थीटा को बना देता हूं, तो ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, इस वैल्यू पे हम साइन थीटा को ले लेते हैं, तो सिंपल वैल्यू आ जाएगा कि साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर 4/5 और कॉस थीटा बराबर 3/5, करेक्ट। इस वैल्यूज को इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 5 × cos θ कितना है, तो 3/5 है, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 / 3 - 5 sin θ, sin θ का मतलब क्या है, तो 4/5
माइनस ये 3 प्लस 5 इंटू साइन थीटा कितना है तो 4/5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा कितना है तो 3/5 बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा वैल्यू आ गया, 5 और 5 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 5 और 5 ये 5 और 5 भी, तो 3 - 4 होता है -1 और यहाँ पे 3 - 4 करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक, माइनस ऊपर यहाँ पर 3 + 4 है तो 3 + 4 माइनस में है तो 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 + 3 है तो 7 आ जाएगा। अब देखिए माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो गया मतलब 1 और 7/7 तो 1 होता है तो 1 - 1 कितना 0 आ गया, तो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 0। आप कुछ और वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर ट्रिपलेट लेकर, सेम आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को कैसे किया जाए। देखिए यहां पर a है, यहां tan a by 2 है और आपके वैल्यूज यहां पर अलग अलग है, तो मेरे दिमाग में वैल्यू चल रहा है कि अगर मैं यहां पर 45 डिग्री लूं तो आप यहां फंस जाएंगे, ये भी sin a cos a जो है ये दोनों सेम होता है तो फंसने के चांसेस है। तो ऐसा कोई ऑप्शन लीजिए, ऐसा कोई वैल्यू लीजिए जो ऑप्शन को अलग कर ले, यानी कि सारे ऑप्शन अलग लो, तो आप a के जगह पे डाल लीजिए 60 डिग्री। 60 डिग्री डालने पर ये बन जाएगा 1 + tan 60 और tan ऑफ a by 2 मतलब tan 30 डिग्री। अब सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 बनता है, या ऐसे भी देख सकते हैं √3 × 1/√3, और हमने ऐसा पढ़ा भी है थीटा 1 + थीटा 2 जब 90 हो तो tan θ1 × tan θ2 1 होता है, ये हमने देखा है पहले क्लासेस में भी, तो 1 + 1 यानी 2 हो गया इसका वैल्यू। अब 2 कौन सा वैल्यू होगा, सिंपल सी बात है sec 60 डिग्री 2 होता है, sec 60 डिग्री जो है ये 2 होता है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या वैल्यूज आप लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सोचिए यहां पर कुछ ऐसे वैल्यूज जो आसान हो कैलकुलेट करने के लिए, किस वैल्यूज को आप यहां पर डाल के आंसर निकाल सकते हैं, इसको एक बार कमेंट जरूर करना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो पैटर्न है के क्वेश्चंस है ये अब यहां से जो है थोड़ा सा अलग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलेस है, आसान फॉर्मूलेस है, ठीक है, उसको एक बार आप याद कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, इसको समझते हैं, इसके सारे फॉर्मूलेस को, ठीक है, और सारे फॉर्मूलेस को एक जगह पे लिख कर उसको कई बार रिवाइज करना इस हफ्ते, ताकि आपको ये चीज याद रहे, आगे कभी भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो क्या करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो आप लिखेंगे एडवांस्ड आइडेंटिटीज, ठीक है, एडवांस्ड आइडेंटिटीज ठीक है, एडवांस्ड आइडेंटिटीज में हमें क्या देखना है, देखिए सबसे पहली बात आप लिखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और अगर मैं इसके जगह पे साइन ए माइनस बी लिखूं तो जहां जहां प्लस बी है उसके जगह माइनस आ जाएगा, तो साइन ए कॉस माइनस बी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है मतलब पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन माइनस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। क्लियर, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आएगा, थर्ड फॉर्मूला आप लिखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी जो कि होता है कॉस ए, ठीक है, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला आएगा कॉस ए माइनस बी जो कि हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आएगा भाई टेन ए प्लस बी, पांचवा फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b और सिक्स्थ फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी का जो कि होता है tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a tan b। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हो गए। अब इसी से कुछ और अलग फॉर्मूलेस बनते हैं, जैसे कि मैं अगर पहले और दूसरे को जोड़ लूं
फॉर्मूले नंबर वन और फॉर्मूले नंबर टू को जोड़ने से क्या मिलेगा, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं फॉर्मूला नंबर वन और फॉर्मूला नंबर टू को जोड़ू, वन प्लस टू को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन, यानी प्लस साइन बी ए माइनस बी। देखिए आप खुद बताइए क्या आएगा रिजल्ट। जैसे ही मैं इसको जोड़ू तो आप देखिए ये प्लस कॉस ए साइन बी है, ये माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये दोनों कट जाएगा। ये वाला वैल्यू दो बार आएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा टू साइन ए कॉस बी। क्या आ जाएगा? टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो वन माइनस टू कर दिया जाए तो साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी आएगा। इसका वैल्यू हो जाता है टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी आ जाता है। यहां तक क्लियर? ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है आपका, अगर मैं थ्री और फोर को जोड़ू, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला को यदि मैं जोड़ू तो रिजल्ट आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब आप बताइए क्या आएगा इसमें, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो टर्म है, एक प्लस वाला है साइन ए साइन बी प्लस में, या साइन ए साइन बी माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, टू कॉस ए कॉस बी आएगा। ठीक है, तो टू कॉस ए कॉस बी यहां पर आ जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी। इसी प्रकार अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस टू साइन ए साइन बी। यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे? ठीक है, तो ये चारों जो फॉर्मूलाज है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो, क्योंकि देखिए अगर मैं यहां जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं इस रिजल्ट में बस a प्लस बी इज इक्वल टू सी डाल दूं एक बार और a माइनस बी इज इक्वल टू डी डाल दूं एक बार, तो देखिए बोट एंड स्ट्रीम में भी इस तरीके का एक्सप्रेशन देखा और कई बार हमने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर मैं a प्लस बी को सी मान लूं और a माइनस बी को डी मान लूं तो क्या आप a और b का वैल्यू बता पाएंगे क्या होगा? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, इन दोनों को जोड़ू तो a प्लस ए हो जाएगा 2a, इधर आ जाएगा c प्लस डी, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर c प्लस डी बाय 2 हो गया, करेक्ट। उसी प्रकार अगर मैं दोनों को घटा दूं तो b का वैल्यू आ जाएगा और b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो b का वैल्यू हो जाएगा c माइनस डी बाय 2, c प्लस डी बाय 2 एक आ गया और c माइनस डी बाय 2 b का वैल्यू आ गया। यहां तक क्लियर? ठीक, तो इन दोनों को हम, इन चारों वैल्यूज को, मतलब a और b को हम जहां भी दिख रहा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही हम रिप्लेस करते हैं तो देखिए ये जो पहला फॉर्मूला है ये बन के आएगा फर्स्ट फॉर्मूला हमारे c और d का। इसको आप लिखेंगे साइन c प्लस साइन d, क्योंकि देखिए हमने a प्लस बी को c माना है, a माइनस बी को d माना है, ठीक, इज इक्वल टू साइन के जगह a है तो a का वैल्यू क्या है? साइन c प्लस डी बाय टू और ब्रैकेट में आगे क्या है? कॉस c माइनस डी बाय टू। क्लियर? दूसरी बात, जब हम इसको सेकेंड फॉर्मूले में डालें तो आएगा साइन सी माइनस ऑफ साइन डी का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस सारे के सारे, तो यहां पर आ जाएगा टू साइन सी माइनस डी बाय टू, क्योंकि आप देखिए यहां पर साइन में बी है तो बी का मतलब सी माइनस डी बाय टू होता है और कॉस में ए है तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाय टू। यहां तक आप सहमत होंगे मेरी बातों से। तीसरा फॉर्मूला, जब हम कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू निकालें, क्योंकि कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी की जगह सी आएगा, कॉस ए माइनस बी की जगह डी आएगा, तो कॉस ए कॉस भी आ रहा है, यानी दोनों के दोनों कॉस है, यानी कॉस सी प्लस डी बाय टू भी कॉस है और कॉस सी माइनस डी बाय टू भी यहां पर कॉस है। इस तरीके से लास्ट वाला फॉर्मूला जो डी फॉर्मूला है, इसमें आप देखेंगे जब हम कॉस सी माइनस कॉस डी निकालते हैं तो माइनस ऑफ साइन, दोनों के दोनों साइन में आते हैं, सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। अब क्योंकि ये c माइनस डी बाय टू है, इस माइनस वाले को अंदर ले जाएंगे तो यहां से ये माइनस अंदर इसको रिवर्स कर देगा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? d माइनस सी लिख लेंगे। तो इस चीज का आप नोट डाउन करके रखेंगे। ये जो येलो कलर में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है, इसको याद कैसे करना है इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं? देखिए कुल मिला के देखा जाए तो सी डी एंगल है यहां पर और यहां सी प्लस डी बाय टू, यहां सी माइनस डी बाय टू, यही चल रहा है। जब साइन सी और साइन डी को हमने एड किया तो साइन वाले एंगल में सी प्लस डी बाय टू वाला एंगल आता है, और दूसरी बात जब साइन और साइन ऐड होता है तो एक वैल्यू साइन होता है दूसरा वैल्यू कॉस होता है।
जब साइन सी और साइन डी को हम माइनस करते हैं तो क्योंकि माइनस किया तो साइन वाले में सी माइनस डी बाई टू आएगा, कॉस वाले में सी प्लस डी बाई टू आएगा। क्योंकि साइन वाले में जब प्लस होता है या माइनस होता है तो एक वैल्यू साइन होता है, दूसरा वैल्यू कॉस होता है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और प्लस वाले में साइन सी प्लस डी बाई टू, माइनस वाले में साइन सी माइनस डी बाई टू, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कॉस वाले को कॉस वाले से जोड़ो चाहे घटाओ, ठीक है, जोड़ने पर दोनों वैल्यू कॉस में कन्वर्ट रहते हैं और घटाने पर दोनों वैल्यू यहां पर माइनस में कटे रहते हैं। अच्छा, एक चीज यहां टू रह गया तो टू नोट डाउन कर लेना। जब जोड़ते हैं तो दोनों वैल्यू कॉस में आ जाते हैं, जब घटाते हैं तो दोनों वैल्यू साइन में रह जाते हैं। साइन में ऐसा नहीं होता, साइन वाले में जब जोड़ते हो तो एक वैल्यू साइन रहता है, एक वैल्यू कॉस रहता है। और साइन कौन सा रहेगा, अगर यहां पर प्लस है तो प्लस वाला जो है सी प्लस डी बाई टू वो साइन में रहेगा, माइनस है तो जो माइनस वाला है वो साइन में रहेगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला कॉस में आ जाता है। लेकिन कॉस में जब प्लस हो रहा है तो दोनों वैल्यू कॉस सी प्लस डी बाई टू होगा और कॉस सी माइनस डी बाई टू होगा, और टू सब में मल्टीप्लाइड है। जब कॉस सी माइनस कॉस डी हो रहा है तो ध्यान रखना टू साइन सी प्लस डी बाई टू, केवल यहां पर जब कॉस सी माइनस कॉस डी हो रहा है केवल यहां पर साइन वाले वैल्यू में डी माइनस सी बाई टू होता है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहां से ये जो फॉर्मूलेज है इस फॉर्मूलेज में कुछ और रिजल्ट्स हमें याद रखना है। जैसे कि सपोज करिए कि यहां पर मुझे अगर ये वाला पहला जो फॉर्मूला है इसमें मैं a इज इक्वल टू बी डाल दूं, a इज इक्वल टू बी डाल दूं, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आएगा साइन टू ए का फॉर्मूला, ठीक है, साइन टू ए का फॉर्मूला। साइन टू ए होता है टू साइन ए कॉस ए, ठीक है, टू साइन ए कॉस ए। अब देखिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि अगर मैं ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर लूं, इसी चीज को क्या लिखा जा सकता है, टू इंटू साइन बाय कॉस, एक कॉस ए को अपने मर्जी से मैंने यहां पर कॉस ए एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो एक कॉस ए पहले से था तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, ये कॉस ए बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हो गया टू टेन ए, और कॉस स्क्वायर ए को आप जानते हैं इसको हम वन बाय सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गई बातें। अब इसी के तहत cos 2a का फॉर्मूला भी आ सकता है, वो होता है cos स्क्वायर a माइनस ऑफ sin स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को बहुत अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर केवल साइन स्क्वायर ए के टर्म में लिखूं तो कॉस स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दूं तो यहां से वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे आया, ठीक है, ये आप लोग का डाउट होगा। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला जो है इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें मैं क्या करूंगा, एक कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड कर लूंगा और एक कॉस स्क्वायर ए को, यानी कि मैं एक कॉस स्क्वायर ए को यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहा हूं। इस कॉस स्क्वायर ए को जो मैंने मल्टीप्लाई किया इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं वन बाय सेक स्क्वायर ए, मतलब नीचे इसको मैं सेक स्क्वायर ए इस तरीके से लिख सकता हूं। और ये जो कॉस स्क्वायर है इसको अंदर ब्रैकेट में ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा वन माइनस ऑफ साइन बाय कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर ए है डिवाइडेड बाय यहां पर सेक स्क्वायर ए है, और सेक स्क्वायर ए को आप लोग लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब इस तरीके से आप इसको वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय वन माइनस टेन स्क्वायर बाय वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। एक फॉर्मूले को तीन तीन तरीके से आप यहां पर डिनोट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज आप नोट कर लेंगे कि जैसे अगर मैं यहां से इसको इक्वेट करूं, यहां से इसको इक्वेट करूं, तो आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर बराबर कॉस टू ए होता है, कॉस टू ए होता है, मतलब टू साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस टू ए। तो अगर मुझे डायरेक्टली साइन ए का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का वैल्यू पहले हो जाएगा वन माइनस कॉस टू ए डिवाइडेड बाय टू, और अगर साइन ए का वैल्यू चाहिए तो यहां से इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत आप ऐसा भी नोट डाउन कर सकते हैं कि कॉस ए बराबर होता है वन प्लस कॉस टू ए डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और
ये कैसे आया होगा अगर आपको डाउट है, तो जैसे मैंने ये बताया a इज इक्वल टू बी डाल देंगे, किसमें a इज इक्वल टू बी डालना है, ये वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में a इज इक्वल टू बी डाल देना, तो ये a cos 2a हो जाएगा और ये cos a into cos a cos square a हो जाएगा, sin a into sin a sin square a हो जाएगा, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है। चलिए अब इन्हीं कुछ फॉर्मूले को यूज करना है हमें आने वाले इस कुछ क्वेश्चन में। जैसे कि ये सवाल देखिए, यहां पर आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस ए, साइन एक्स प्लस साइन वाई है, तो ये होता है टू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहां पर साइन के साथ में एक वैल्यू कॉस में आता है, तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। दूसरी बात, ये एक्स माइनस वाई है तो आप लोग जानते हैं टू एक साइन वैल्यू होता है, और क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला वैल्यू साइन में आएगा, और दूसरा वैल्यू आएगा कॉस में, तो कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, ये हो गया आपका ऊपर न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहां पर टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू होगा, और यहां पर कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू होगा। जब प्लस होता है तो दोनों वैल्यूज कॉस में कन्वर्ट होता है, और जब माइनस होता है तो दोनों वैल्यूज साइन में कन्वर्ट होता है, तो कॉस वाई माइनस कॉस एक्स था, तो एक तो रहेगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, दूसरा वैल्यू जो होगा साइन ऑफ, इस वाले में चेंज हो जाता है यानी रिवर्स होता है, तो इस बार एक्स माइनस वाई बाई टू होगा, और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू दूसरा वैल्यू आएगा। देखा जाए तो सारी चीजें कट आउट हो जा रही है, देखा जाए तो सारी चीजें कट आउट हो जा रही है, टू 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 टू, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू, साइन एक्स माइनस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, सब कुछ कट आउट हो गया, आंसर कितना आया, वन आया, तो बी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये सवाल को देखिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए न्यूमरेटर में ये टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 4 बाय रूट 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि टेन 30 डिग्री रूट 3 होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, प्लस 1 बटे 4 है, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 1 बाय 8 है, कॉस 60 डिग्री 1 बाय रूट 3 होता है, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ 1 बाय 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा 24, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री होता है आधा, तो आधे का जब स्क्वायर करोगे तो यहां 1 बाय 4 आएगा, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1 बाय रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो यहां पर आधा आ जाएगा एक्स्ट्रा, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चल रहा है भाई, नीचे अगर आप देखेंगे तो क्या ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में है कि नहीं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद करिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जिसमें ए जो है 60 डिग्री है, बी जो है 30 डिग्री है, ए जो है 60 डिग्री है, बी जो है 30 डिग्री, मतलब कुल मिला के ये कुछ और नहीं है, ये साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री है डिनोमिनेटर में, जो कि अल्टीमेटली आधा हो जाएगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, यहां इस पूरे एक्सप्रेशन में जो एलसीएम मिल रहा है वो बन रहा है 24 का, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है 24 बनेगा, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये 1 बाय 8 बन जाएगा, करेक्ट, तो 24 से इसको काटोगे 3 को 8 बार जाएगा तो 32 बन जाएगा 32, इसको अगर 4 से काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 6, 24 से काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 1, 8 से काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 3, और यहां पर जो है आधा है, ये कितना है, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है ना, ये साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, मतलब ये बन गया हाफ, तो हाफ जो है यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में 2, क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो वो रिवर्स हो जाता है, तो 2 जो है इस 24 को काटेगा 12 बार, तो 32 प्लस 6 हो गया 38, प्लस 1 39, प्लस 3 करोगे 42 डिवाइडेड बाय 12, अगर मैं इसे 6 से काटूं तो ऊपर 7 नीचे 2 आ रहा है, मतलब 3 सही 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3:1/2, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मैंने निकाला है, जिसमें आपको यहां पर पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर आप यहां पर कुछ टाइम का सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में। चलिए एक और क्वेश्चन, ये सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मैंने निकाला है, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर साइन 7x माइनस ऑफ साइन 5x है, डिवाइडेड बाय कॉस 7x प्लस कॉस 5x है, माइनस यहां कॉस 6x माइनस कॉस 4x है, डिवाइडेड बाय साइन 6x प्लस साइन 4x है, मतलब चारों के चार,
साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला भी है, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला भी, कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला भी है, कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला भी है, चारों फॉर्मूले यहां पर लगेंगे। ठीक है, तो एक एक करके लगाते हैं। जैसे देखिए साइन सी माइनस साइन डी है तो इसका वैल्यू होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू, सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स हो जाएगा टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, इंटू कॉस में क्या होता है तो कॉस में सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स हो जाएगा बारह एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक, डिवाइडेड बाई, नीचे में जब प्लस में है तो दोनों के दोनों कॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कॉस सी प्लस डी हो जाएगा बारह एक्स बाय टू, इंटू कॉस सी माइनस डी है तो टू एक्स बाय टू आ जाएगा। ठीक, माइनस इसका वैल्यू बताइए, जब ये कॉस दोनों के दोनों नेगेटिव में हो तो टू, यहां पर दोनों साइन में आते हैं, एक तो बनेगा सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स फोर एक्स मतलब कि टेन एक्स बाय टू, लेकिन अब के बार जो होता है साइन में 4x माइनस 6x होता है तो माइनस का 2x आ जाएगा डिवाइड बाय टू, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करना, यहां पर 2 साइन पहला वाला जो है वो प्लस में आएगा जो कि यहां पर 10x बाय 2 देगा वैल्यू, और कॉस माइनस में आएगा तो कॉस 6 माइनस 4 तो 2x बाय 2 आएगा। ठीक है, इसको देखिए क्या हुआ यहां पर, इस तरीके से अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिल रहा है इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये 2 और 2 तो कट गया, cos 12x by 2, cos 12x by 2 कर जाएगा। देखिए ये क्या है, ये है sin x, ये है cos x, तो sin x by cos x होता है tan x, मतलब इस माइनस के पहले tan x है, 2 और 2 कर जाएगा, sin 10x by 2, sin 10x by 2 कर जाएगा, ये क्या है भाई sin of minus x है, तो माइनस यहां पर sin of minus sin x आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव होता है तो माइनस sin x आएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर cos x, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन होता है, मतलब ये जो वैल्यू है माइनस का टेन एक्स, बताइए क्या होगा, टेन एक्स माइनस माइनस टेन एक्स होता है तो टेन एक्स प्लस टेन एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा टू टेन एक्स, टू टेन एक्स मतलब यहां से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है ये टेन 45 डिग्री प्लस ए है और टेन 135 डिग्री प्लस ए है। देखिए इस सवाल को या तो आप tan a प्लस बी के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं या वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा आसान होगा आप वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करिए, क्योंकि अगर मैं यहां a इज इक्वल टू जीरो डाल दूं, a इज इक्वल टू जीरो डालने पर ये बन जाएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री है ना, पाई बाय 4 यानी 45 और 3 पाई बाय 4 यानी tan 135 डिग्री, क्योंकि आगे का जो a है वो तो जीरो बन गया है। ठीक है, तो ये 1 होता है, ये माइनस 1 होता है, ओवरऑल माइनस 1 आंसर आ रहा है, यहां पर डी उसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाना होगा tan a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan a। दूसरा वाला जो वैल्यू है ये ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा tan 135 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 135 डिग्री इंटू tan a, बराबर। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, tan 145 डिग्री 1 होता है तो 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a आ रहा है, और tan 135 डिग्री का वैल्यू माइनस 1 होता है तो माइनस 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ माइनस 1 होगा तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये tan a आ जाएगा। बताइए कितना उत्तर आएगा, देखिए ये 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan a कट गया, ये 1 माइनस tan है और माइनस 1 प्लस tan है, मतलब अगर मैं यहां से इन दोनों को काटूं तो एक माइनस वन बच जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वैल्यू से है, मतलब एडिटिव इनवर्स है, माइनस वन मल्टीप्लाई करने पर एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे तो डी जो है माइनस वन आएगा। ज्यादा आसान तरीका है कि आप वैल्यू पुटिंग करें, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आप यहां पर इस फॉर्मूले को यानी टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल और देखेंगे, टेन 70 डिग्री का वैल्यू, tan 70 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए, तो देखिए यहां पर जो आप इसको ब्रेकअप देखेंगे तो यहां पर 20 डिग्री और 50 डिग्री में यहां पर ये चीजें लिखी हुई है, तो इस 70 डिग्री को क्या किया जा सकता है, 70 डिग्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, मतलब tan 70 डिग्री जो है वो tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री के बराबर होता है, तो tan इसमें a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री होता है। ठीक है, और यहां पर tan 70 डिग्री रखा हुआ है, अगर मैं इसको दूसरे तरफ ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई होगा tan 70 से,
ठीक है, 1 माइनस टेन बीस इंटू टेन 50 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ठीक है, ये बराबर किसके है, टेन 20 डिग्री और टेन प्लस टेन 50 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है, तो टेन 70 डिग्री एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा और टेन 70 डिग्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्या आप लोग ये बात जानते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीख के रखा है, कभी भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो गया तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 1 होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा है। तो टेन 70 इंटू टेन 20 जो है 1 बन जाएगा, मतलब अल्टीमेटली यहां जो वैल्यू बच रहा है वो कुछ और नहीं बच रहा बल्कि बस इतना ही बच रहा है कि टेन 70 डिग्री माइनस ऑफ टेन 50 डिग्री, और इस टेन 50 डिग्री को मैं अगर दूसरे तरफ भेज दूं तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा कि टेन 70 डिग्री कुछ और नहीं है, टेन 20 डिग्री तो था पहले से, और इस टेन 50 को उस टेन 50 में जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ टेन 50 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, टेन 20 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ टेन 50 डिग्री, टेन 20 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ टेन 50 डिग्री, ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक क्लियर, तो यही इसका सही उत्तर है, क्लियर है। चलिए एक आखिरी सवाल और देखते हैं, इसके बाद हम यहां पर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। यहां पर देखिए इसमें से आपको सही उत्तर क्या है ये बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। 180 डिग्री माइनस 2a करने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहां पर इसका वैल्यू माइनस आ जाएगा, और क्योंकि आप 180 डिग्री यानी कि एक्स एक्सिस में चेंज कर रहे हैं तो कॉस फंक्शन कॉस में रहता है, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया, तो कॉस 2 आएगा, ठीक, डिवाइडेड बाय ये कॉस 90 माइनस 2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 डिग्री में कन्वर्ट करने पर यह साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में 180 डिग्री माइनस ए है तो सेकेंड क्वाड्रेंट फिर से आ रहा है जहां पर साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पर साइन ए आएगा। तो पहले वीडियो में ही हमने जो चीजें सीखी है उसको हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब इससे आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टू जब माइनस होता है तो दोनों के दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी प्लस वाला भी, तो ये ए प्लस टू ए मतलब थ्री ए बाय टू आएगा, और साइन अब इसकी बार, अब की बार 2a में से a माइनस होता है तो 2a माइनस a करोगे तो यहां पर a बाय टू आएगा, ठीक, यहां से इसमें जब लगाओगे तो 2 इंटू साइन a प्लस 2a मतलब 3a बाय टू आएगा, और कॉस में 2a माइनस a मतलब a बाय टू आएगा, बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से साइन 3a बाय टू, साइन 3a बाय टू कट गया, 2 कट गया, साइन a बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस a बाय टू करोगे तो टेन ए बाय टू आंसर होगा, तो सी जो है सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए अब मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं, आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो एडवांस आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा जो हमने यहां पर नया चीज सीखा वो आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपसे जरूर बनेगा, ठीक है। आने वाले जो सैटरडे संडे को मैं प्रैक्टिस शीट में कुछ और क्वेश्चंस इसके दलवाऊंगा जिससे आपसे ही बन जाए। ट्रिग्नोमेट्री का एक और पार्ट बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्री में, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।